Hey folks, so welcome back to another day in my life. और भाई साहब अपन आ गए हैं अपने दंदों को धुलाने, बिकॉज बहुत समय से हो गया था पैम्परिंग नहीं हो पा रही थी उसकी बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें. आपने लास्ट डेली ब्लॉग्स में देखा ही होगा कैसे घर वार पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था तो उसमें लगा रहता था पूरे टाइम तो कुछ नहीं हो पा रहा था. तो आज अपन आ गए हैं दंदों की सर्विसिंग कराने. ये देखो ये रीवा में नया सेंटर खुला है, यहाँ पे आए हैं, लुक एट इट, धुलाई चालू है. तो यहाँ पे आए हैं, देखते हैं कैसी क्या सर्विस है. और छोटा भाई अपना तो सर्विस कैसी है, अभी पॉलिशिंग वॉलिशिंग भी करवाएंगे, बहुत समय से पैम्परिंग नहीं हुआ है. टेल आई टोल्ड यू राइट. फिर उसके बाद अपन जाएंगे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराना, बिकॉज 130-140 जब गाड़ी भग रही है ना तो उसमें हल्का सा स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, हल्का सा. सो दैट आई गॉट टू नो बिकॉज ऑफ उसी कारण होगा. तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है. धन्नो सज रही है दोस्तों, टाइम टाइम रबिंग पॉलिशिंग थोड़ी थोड़ी होती रहती है. तो मैं गाड़ियाँ साफ हो जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. साफ गाड़ी इज लाइक यहाँ पर भी पूरी वो लगी हुई है, रबिंग का कंपाउंड लगा हुआ है सर का, मस्त हो जाएगा. अब देखो टायर बैलेंसिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है. अब इसकी अपन को बैलेंसिंग पता चलेगी कि कितना आउटर में बाहर, कितना अंदर इसमें वेट लगना बचा है और कितना बाहर. कि जो टायर है जब अपन स्टीयरिंग चलाते हैं, ठीक है, तो 120 के ऊपर में स्टीयरिंग हल्की 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 वाइब्रेट होगी. तो उससे आप लोगों को समझ जाना है कि इफ़ दैट स्टीयरिंग इज़ वाइब्रेटिंग 120 के ऊपर तो इट नीड्स बैलेंसिंग, ठीक है. अलाइनमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड बैलेंसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. अभी एक दो टायर चालू हो गया, अब इस मशीन में आपको पता चल जाएगा कितना है, कितना वेट आ गया, ठीक है. जल्दी देखो 20 अंदर साइड से, 20 ग्राम का है, 45 ग्राम बाहर साइड से. इस तरीके से अपन अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराते हैं, सॉरी, ठीक है. तो व्हील बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी स्टीयरिंग स्टीयरिंग सब में इशू आ जाएगा. इतने धन्ना हवा में खड़ी हुई है, वाला टायर कम्प्लीट हो गया है, ये वाला टायर कंप्लीट है, ये वाला हो रहा है, हो गया ये भी, अब उधर वाला पार्ट आएगा. सो हे फोक्स, डे टू. तो रीवा में एक नया सर्विस सेंटर खुला है, फ्रंट लीफ. तो दे कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई साहब फ्री में चेकअप हो रहा था. मैं बोला फ्री में हो रहा था चलो चेकअप करा ही लेते हैं. मेरे को थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि स्टीयरिंग हल्की टाइट चल रही है और क्लच मेरा थोड़ा टाइट है. तो मैं सोचा व्हाई नॉट टू चेक इट आउट, दिखवा लेते हैं कैसा क्या सीन है. अभी गाड़ी अपनी जा रही है, सर्विस सेंटर तो काफ़ी अच्छा खुला है और मैं हमेशा सतना जाता था वैसे सर्विस सेंटर, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड. इसकी लोकेशन मैं पिन कर दूंगा, चौराटा में है, चंद्रलोक होटल के बगल में, जस्ट बगल में है, फ्रंट लीफ करके है, फ्रंट लीफ टाटा मोटर्स. तो ये RR वालों को डिफरेंट था और ये टाटा मोटर्स डिफरेंट है. लेट्स सी क्या सीन है. चीज़ है वो है इसका क्लच टाइट चलता है और दूसरी चीज़ है स्टीयरिंग मेरे को हल्की टाइट दिख रही है, ठीक है. तो ये दो चीज़ दिखवा लेना स्पेशली. और एक और चीज़ है जैसे मैंने गुड़गांव में भी बनवाने की ट्राई की थी बट बड़ी नहीं थी, वो थी इसका जब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में खींचता हूँ ना तो ये लैग करती, झटका मारती. क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है मेरी गाड़ी का. कितनी चल रही है? 50. और क्लच शुरू से टाइट है, अभी का नहीं है, कुछ नया इसमें. सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा. क्यों? पावर क्लच है ये. बाकी गाड़ी का नहीं है ना, बाकी भी नेक्सॉन है मेरे पास, उनका नहीं है, इसी बस में है. हाँ तो इसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट डालनी पड़ेगी. वो आ रहा है मोस्टली स्टीयरिंग में, देखिए हल्की टाइट टाइट चल रही होगी स्टीयरिंग. चलाइए थोड़ा गाड़ी तो समझना है. इलेक्ट्रॉनिक इतनी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में ट्यूब जुड़ जाएगा तो हार्ड हो जाएगी और इसमें कुछ अपन इसमें भी नहीं कर सकते. बॉल ज्वाइन वगैरह चेक कर लेते हैं जिसके कारण साकप के बूस वगैरह यही चेक कर सकते हैं. क्या सुंदर लगती है यार ये गाड़ी, प्यारी तो है. मुझे चढ़ी है किसी की दिल्ली नंबर. रुक इतना सही, वर्कशॉप खुला है नया वाला, नया फ्रंट लीफ का बस वो खुला हुआ है. ये अपना पूरा वो है, थिंग्स ये पूरा रिपेयरिंग एरिया वगैरह पूरा. अच्छे वर्कशॉप है, पूरी नई मशीन है प्रेसिजन की.
सर्जरी अपना पूरा लगा हुआ है, देखो नहीं सर। ओ भाई साहब पूरा इंजन खोल के रखे हैं, देखो लुक एट इट, पूरा इंजन जिससे अपन को पूरी पावर देने देते हैं। बट इलेक्ट्रिक वाले बेचारे क्या जानेंगे कि ये क्या होता है। देखो नेक्सॉन का टर्बो, दिस इज टर्बो नेक्सॉन का, ये टर्बो है। और एक और दो चीज़ मुझे पता चली, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है साला, प्लस क्लच का कोई वायर नहीं होता है। फिर एक एक ये वायर आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर का, राइट, ये वायर होता है उसका गियर वायर। तो देखो ये रेडिएटर, दिस इज एसी कूलेंट, सो एसी का रेडिएटर है ये आपकी एसी में ठंडक पहुँचाता है। अगर आपका एसी ठंडा नहीं हो रहा है ना तो इसमें पानी मार दो फटाफट। फिर अपना ये वॉशर फ्लूइड यहाँ रहता है, ये इसकी लोकेशन मेरे को नहीं पता थी भाई साहब। सामने से तो खा लिया किसी नई गाड़ी को, और जबकि टॉप मॉडल है, नई गाड़ी है, अच्छी वर्कशॉप है, नाइस वर्कशॉप, पेंट बूथ भी इनका अच्छा है। गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन, अच्छा। और ये वॉशिंग एरिया, लो भाई इस पार्ट को खोलने का समय आ चुका है। देखो थ्री सिलेंडर इंजन के तीन इस पार्ट लगा, इस पार्ट को खोलने का तरीका बड़ा कैजुअल है। टाइम ऑफ ट्रुथ, देखते हैं क्या सीन है स्पार्क प्लग के, सही है कि नहीं। 45,000 वाले पे करवाया था अभी 5,000 किलोमीटर पहले, अब लेट्स सी क्या सीन है, कैसा, सही है स्पार्क प्लग, सही है ना जी। इससे इस चीज़ से पता चलती है स्पार्क प्लग की क्वालिटी, ये गंदा नहीं होना चाहिए है ना जी। क्या इसको देखते हैं, शक हो रहा है इसमें जी, शक है हाँ, शक है ना इसमें, शक व्हाट द फ। अंकल जी को भी शक हो गया देख के, हमें भी शक हो गया देख के, अब शक नहीं, बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए। ये फ्यूल नहीं जला पा रहा, ये गीला है ना, गीला है हाँ। एक स्पार्क प्लग लगेगा है ना, देख हो गया, चेंज कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। गीला हाँ, गंदा तो है, यस गीला भी है ना, यस खराब है, तो ये फ्यूल है, ये इंजन ऑयल है, फ्यूल फ्यूल है, ये इंजन ऑयल यहाँ नहीं चलता, चेंज कर दीजिए, तेल निकाल दिया, वही वाला यही वाला है ना, है खराब, ये खराब नहीं, गाल नहीं हाँ, खराब नहीं है, क्या नंबर का निकला गीला, ये वाला तीसरा तीन नंबर, क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, धूल निकली स्टार्ट। देखो पूरी गाड़ी खुलवा दी हमें, देख रहे कितने तार हैं, ये सब तार हैं लाइटिंग्स के, सब एसी फिल्टर क्लियर नहीं हो रहा है भाई, एसी फिल्टर नहीं पता रहा। फाइनल टचेस गाड़ी को मिल रहे हैं धुलने के, धुल लिया फटाक से, फिर चलते हैं। मौसम देखो कितना ख़राब हो गया, पूरा घेर लिया, फिर सफ़ेद पानी गिरेगा सारा, देखो कितनी कितनी प्यारी ठीक है ये वाली बात। लुक कितना सुंदर लग रहा है, हाउ नाइस इट इज लुकिंग, ये रीवा का रेलवे स्टेशन है इधर पे साइड में, दिस इज द रोड, इट्स लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल एक्चुअली। और ये था मेरा भाई सर्विस का एक्सपीरियंस, सर्वे का एक्सपीरियंस मतलब कैसा बोल सकता हूँ मैं कि इट्स गुड, अच्छा था, बट थिंग्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, काफ़ी सारी चीज़ें लोग सुधार सकते हैं, नए हैं या दे आर न्यू, जैसे धुलाई उलाई वाला भी मैंने इनको बोला कि बेकार था,
दे सेड कि सर अभी मतलब सारे छुट्टी पे गए हैं, शादी वादी है ना, दोस्त ने बोला चलो फाइन लेट्स सी कुछ दिनों में और, पर सर्विस सेंटर वगैरह काफ़ी अच्छा है। एंड या सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर ब्लॉग गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नए हो तो। और एक चीज़ मुझे बताना कि अगर आप भी नेक्सॉन ओनर हो, जो कि मुझे लगता है हो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नेक्सॉन एंड सर्विसिंग इन टाटा, इफ यू आर अ टाटा लवर तो बताओ कि जो अपनी नेक्सॉन है कैसी लगती है चलाने में, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते थे, एंड कमेंट करना यार इस चीज़ को, मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे इश्यूज छोटे 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 हैं, है ना, तो उनको मैं भी सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो गिव मी अ कमेंट, आई लुक इन टू इट और मैं भी देखूंगा कि भाई और किसके किसके में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो लेट्स सी यू, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।